आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, आपका सी एच एस एल में आया हुआ है, ये भी आपका सी जी एल में आया हुआ है। अब देखिए ऐसी भी सीरीज बन सकती है, जैसे कि अभी तक आपने देखा सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सीरीज देखी कि भाई नीचे का अंतर ऊपर पड़ा था, उसके बाद आपने सीरीज देखी कि भाई अंतर पड़ा नहीं है, अंतर बनाना पड़ेगा। अब अगली आ गया कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर इसके साथ है, जैसे कि आपने देखा यहाँ कि भाई 160 लिखा है, अगर मैं 160 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, एक बचेगा। अब नीचे वाले का अंतर ऊपर होना चाहिए, तो ऊपर ये 5 कर दिया, नीचे भी 5 कर दिया, दो चीजें करी हैं, पहले 160 बाहर निकाला, फिर जो अंतर है उससे ऊपर नीचे गुणा कर दिया, यानी बाहर आप देखते हैं तो क्या मिल गया, 32, 1/ पहली टर्म -1/ लास्ट टर्म। तो अगर देखेंगे ये 15 आंसर आ जाएगा, 15/32 इंटू 32, 32 - 2 30 हो जाएगा, 16 - 1 15 हो जाएगा, 15 आंसर हो गया। इसमें अगर देखते हैं, देखिए अगर मैं 5 बाहर ले लेता हूँ तो ये इस टाइप का सीरीज बन जाएगा, पर इसमें भी हम देखते हैं कि भाई नीचे वाला पार्ट तो वैसे नहीं दे रखा जैसे कि हमारे को क्वेश्चन में गिवन होता है, इसे बनाना पड़ेगा 1 × 3, इसे देखते हैं 3 × 5, इसे देखते हैं 5 × 7, इसे देखते हैं 11 × 13, यानी इसमें काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा आपको, पहले 5 कॉमा लेना पड़ा, फिर स्प्लिट करना पड़ा, इसके बाद आपको पता है कि नीचे वाले का अंतर ऊपर होना चाहिए पर ये ऊपर नहीं है तो अंतर बनाना पड़ेगा, 2 से गुणा करके और 2 से भाग करके, तो यानी इसका अंतर अब ऊपर आ गया, इसका अंतर भी ऊपर है, इसका अंतर भी ऊपर है, इसका अंतर भी ऊपर है, तो इसे आप लिख सकते हैं 5/2, 1/ पहली टर्म यानी 1, -1/ आखिरी टर्म यानी 13। तो इसे सॉल्व करेंगे अगर 13 - 1 12 हो गया, 12 को 2 से करेंगे 6 हो गया, यानी 30/13 आ जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, देखिए आपने इसमें क्या करा, इसके अंदर 160 बाहर लिया और 5 ऊपर नीचे अंतर बनाया, इसमें 5 बाहर लिया 2 ऊपर नीचे अंतर बनाया, अब आप इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि n का मान 100 है तो इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दिया मैंने कि थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन किस किस तरीके से बन सकती है, आइए देखते हैं। देखिए अब ऐसा नहीं है कि भाई आप पैटर्न तो पढ़ के चले गए, भाई इस टाइप की सीरीज क्लास में पढ़ाई गई थी उस पर आपको सेम क्वेश्चन लगा लगाया मिल जाए, कुछ ना कुछ चेंज जरूर मिलेगा, जैसे कि मैंने बोला था ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अगर मैं इसे चेंज करके लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ इसे 1/n तो 1+n बच जाएगा, n की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 100 और ये 101, यानी इन सभी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसे भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/n यानी 1 × 2, इसे भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3, इसे भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 × 4, ये इस तरीके से सीरीज चली जाएगी, यानी जो सीरीज आज तक ऐसे आती थी वो सीरीज एग्जाम में आपको इस तरीके से मिल सकती है कि देखने में आपको लगे कि कोई नया क्वेश्चन है पर क्वेश्चन सेम ही रहेगा। इसका आंसर आपको पता ही है कि 1/ पहली टर्म -1/ आखिरी टर्म, तो 100/101 आपका आंसर हो जाएगा।
एक बार दोबारा से देख लेते हैं। केवल लास्ट टर्म देखी मैंने और मैंने देखा पैटर्न जो है एन इंटू एन प्लस वन, यानी नीचे वाली चीज को एन इंटू एन प्लस वन लिख सकते हैं, यानी 3 × 4, 2 × 3, 1 × 2, तो वही आपने किया। और एन की वैल्यू 100 है तो 100 × 101। अब आप इसे नोट करें क्वेश्चन पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन पर ही है, उसी टाइप की पे। आइए देखते हैं, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना है। अगर आपने एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला पढ़ा है कि ये एन एन प्लस वन बाई टू होता है, ये बेसिकली उसी पैटर्न पे है। अगर आप इसे देखें तो आप लिख सकते हैं 2 × 3/2। दो नंबर तक अगर देखेंगे तो एन की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 × 3/2, 2 × 3/2 ऊपर आ जाएगा। इसको अगर मैं देखता हूँ तो 3 × 4/2 ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से मैं लास्ट तक जाता हूँ तो 51 × 52 ये हो जाएगा। यानी अगर पेपर में आपको ये सीरीज मिलती तो क्वेश्चन लगता आसान, पर क्वेश्चन आपको ट्रांसफॉर्म करके ये इस तरीके से दिया गया है। तो सीरीज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन संभव है जो एग्जाम में आती हैं, तो ये इस तरीके से बनेगा। अब आपने देखा इस टाइप की सीरीज आपने पढ़ रखी है, दो में बाहर ले लेता हूँ तो नीचे वाले का अंतर ऊपर पड़ा होगा, तो यानी 1/(1) आखिरी टर्म 26 − 1 = 25/26, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बात दोबारा से समझिए ध्यान से, देखिए एन लगातार नंबर का फॉर्मूला होता है, एन एन प्लस 1/2, इसे आप लिख सकते हैं 51 × 52/2, 3 × 4/2, 2 × 3/2, तो इसको आपने 2 बाहर लिया तो 1/(1) आखिरी टर्म। तो इस सीरीज के अंदर इस तरीके से आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। आगे भी और क्वेश्चन देखेंगे, अभी आप देखिए इसी में क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। अगर मैं 11वां क्वेश्चन देखता हूँ, इसे हल कर कर एक भिन्न मिलता है, तो हर और अंश में उसका अंतर क्या होगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का अंतर बता देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप का सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। अगर हम देखते हैं ध्यान से, माइनस अगर आप कॉमन ले लेते हैं, देखिए तो प्लस मिल जाएगा, ये भी प्लस, आखिर तक प्लस मिल जाएगा। अब आप एक बात देख सकते हैं कि नीचे वाले का अंतर ऊपर पड़ा है, 1 से 1 कटेगा 2, नीचे वाले का अंतर यानी 3 ऊपर पड़ा है, नीचे वाले का अंतर यानी 4 ऊपर पड़ा है, नीचे वाले का अंतर यानी 100 ऊपर पड़ा है। तो इसी को आप देख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/(1) यानी 1 हो गया, माइनस 1/(1) आखिरी टर्म,
ये आ गया, यानी वन अपॉन पहली टर्म माइनस वन अपॉन आखिरी टर्म। अब आपने देखा कि भाई इस वन से तो ये वन कट जाएगा, बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा ये, यानी ये पार्ट हट जाएगा। अब मेरे को ये सॉल्व करना है, इसे मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन 100 × 101/2। एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगा दिया, 100 × 101/2, जिसे आप लिख सकते हैं 1/50/50। ये इसका डिनोमिनेटर है, ये इसका न्यूमरेटर है, तो 50 50 में से अगर एक जाएगा तो 50 49 आंसर हो जाएगा, यानी डी माइनस एन आपका 5049 आएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन दिखने में ऐसा है कि भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन कुछ आ गया, पर अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लगेगा। आपने देखा इसे आप वैसे ही लिख सकते हैं, नीचे वाले का अंतर ऊपर, नीचे वाले का अंतर ऊपर, क्योंकि देखिए इसमें एक्स्ट्रा पार्ट कितना है, ये ऊपर है, इसमें एक्स्ट्रा पार्ट कितना है, ये ऊपर है, एक्स्ट्रा पार्ट कितना है, ये है, ये ऊपर है, तो सभी में अंतर अगर ऊपर दे रखा है तो वही इस फॉर्मूला लगाएंगे, वन अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस वन अपॉन लास्ट टर्म।